सो हेलो गाइस, आज मैं क्या करने वाला हूँ आपको सब कुछ बताऊँगा दिखाऊँगा रियल, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से है। अभी शाम का टाइम है, कहीं बाहर गया था, आके चुपचाप लेटा हूँ तो सोचा एक व्लॉग ही बना लिया जाए। अब लेटा हूँ, मम्मी भी नहीं है, आज उनका बर्थडे है। एनीवेज वो सब कुछ अच्छा है। मम्मी को मैंने बर्थडे विश तो कर दिया था सुबह, एंड मॉर्निंग में कुछ खा के निकला था। अभी लेटा हूँ, सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या नहीं। सोच रहा हूँ बाहर निकलता हूँ, कुछ खा के आता हूँ, क्योंकि भूख भी लग रही है और सैटरडे भी है, तो थोड़ा सा कुछ बाहर कैसा खा सकते, कोई इशू नहीं है। सो रेडी होता हूँ, एंड रेडी क्या मतलब, मैंने कपड़े पहने ही हुए हैं, एंड अकेले हूँ तो कैसे रहता हूँ आपको दिखाता हूँ। चलते हैं बाहर। हुआ था घर में तो लाइट यहाँ का बंद कर देता हूँ। जय भगवान जी, लाइट ऑफ। फिलहाल ठंड के टाइम वाली जो इवनिंग होती है ना, और खास तौर पर जब आप घर पर अकेले रहो तो लगता है बहुत ज़्यादा बोर। बट अपन अपने आप को बोर नहीं लगने देंगे, क्योंकि अपना काम है कि हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ में बिजी रहना या इंटरेस्टिंग करना। सॉरी, तो सबसे पहले अभी शूज़ वगैरह पहनता हूँ, जैकेट पहनता हूँ, निकलता हूँ, बाइक निकालता हूँ, बाहर देखिए चलता मैं हूँ। ना कई बार दरवाजे में टंगा देता हूँ, तो ये निकाल लेता हूँ फिलहाल। ये जो जैकेट है इसको पहन लेता हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, मेरे ख्याल से दिख ही रहा होगा, ताकि मैं डस्ट से बच जाऊं और थोड़ी जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना उससे। ये हो गया, ये पहन लिया मैंने जैकेट, और अब कम से कम ठंड से और थोड़े से धूल से बचूंगा, क्योंकि धूल भी बहुत इरिटेट करता है गाइस, मैं आपको सब बता रहा हूँ, धूल बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। अच्छा, ये चीज मैं आपको बता दूं कि मेरी आवाज कैसी आ रही है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि फोन से शूट करता हूँ, iPhone XR है, सारा कुछ इसमें ही करता हूँ। क्लियर वॉइस होगी नहीं होगी माफ करिएगा, बट कोशिश करता हूँ कि सब कुछ स्पष्ट बोलो। इससे पहले सब जगह का लाइट बंद कर देता हूँ, क्योंकि लाइट बंद करना बहुत जरूरी है। वह बंद, पर्दे भी मैंने लगा दिए, शूज वगैरह पहनता हूँ, फिर निकालता हूँ बाइक। गाइस ये गेट से निकल जाते हैं खड़ी, अभी नहीं है, थोड़ी देर से देना, रात को आऊंगा, रात को। गाइस मैं निकल चुका हूँ अपने घर से बाहर अभी, एंड बाइक चला रहा हूँ फिलहाल, तो ठंड बढ़ गई है, लोग अपने स्वेटर जैकेट पहन पहन के निकल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और आपसे मिलते हैं आगे। तो गाइस मैं आया हूँ अभी यहाँ पे मोमो खाने के लिए, चिकन मोमो, एंड मे बी मैं अभी लूँगा चिकन मोमो, तो ये इसके पास से ले रहा हूँ, भाई के पास एक वो दे देना ना, मोमोज दे देना, चिकन मोमो। जल्दी से खाता हूँ चिकन मोमो, भाई भी बाय कर रहा है, हेलो कर रहा है, जल्दी से लेता हूँ और इसके बाद निकलता हूँ खा के यहाँ से अपने दूसरे भाई। अभी जस्ट मैं खा ही रहा था यहाँ मोमो, तो दो तीन भाई लोग दिख गए, सो ये लोग, एक भाई मुँह छुपा रहा है, बाकी तीन भाई लोग आए। तो क्या नाम है भाई? मयंक तिवारी। मयंक तिवारी। और ये लोग? अनीश जायसवाल। अनीश, ये शर्मा रहा है भाई, कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, कोई इशू नहीं है। सो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, ठीक है भाई। सो आई होप वीडियो अच्छा लगेगा तुम लोग को। तो यहाँ से निकलते हैं, खा तो लिया, हम निकलता हूँ, खा लिया, अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। गाइस अभी मैं आ गया हूँ, वो खड़ी है मेरी बाइक, एंड ये आ गया हूँ मैं पनीर लेने के लिए शॉप में, तो पनीर लेता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ घर पर, और अपने रात के डिनर को प्रिपेयर करूँगा। संडे वैसे सब आज बाहर खाते हैं, बट अभी मैं थोड़ा सा क्लीन ही खा रहा हूँ, तो पनीर वगैरह खा लेता हूँ। वैसे भी मैं, आपने देखा कि मोमो में खा लिया, तो अभी बस खा लेता हूँ पनीर। घर आ चुका हूँ एंड सारा सामान लिया है, बाहर में खड़ी गई है, जो जाते समय खड़ी थी, अभी उसको जल्दी से देते हैं खाना। सो किचन में चलते हैं, उसके लिए राइस वगैरह कुछ, ये रोटी निकालते हैं, ये सब्जी है इसको मिला के ना, और इसके अलावा राइस। हाँ, सो ये राइस एंड सब्जी मिला के, गाइस मैंने सब्जी एंड राइस निकाल दिया, तो और सब्जी निकाल देता हूँ, क्या है मुझे भी यही खाना है रात में। सो गाइस ये खाना दे देता हूँ, पता चल चुका है, ये हो चुकी है खुश। रुक जाओ रुक जाओ, दे रहे हैं तुमको, पहले तो खोल लेते हैं गेट, एंड ये हाँ चलो शुरू करो भाई। तो गाइस बाहर में गैया को मैंने खाना तो दे दिया है, एंड बस आज सोच रहा था कुछ, एक्चुअली होता ही है ना कई बार हमको ना देना चाहिए, जब भी आपके में, मैं गाइस बता रहा हूँ दोस्तों, घर के बाहर में कुछ भी गैया या ऐसा कुछ डॉग आते हैं, जब स्ट्रे डॉग या ऐसे कुछ आते हैं, सो आप लोग प्लीज़ उनको खाना दीजिए, अच्छा फील होता है यार, इसलिए देना है और कुछ नहीं। एंड दूसरी चीज़ आपको ये बता देता हूँ, कई बार ना मैं ऐसा सोच रहा था, कई बार मतलब आज जैसे ही सोच रहा था, बहुत बार ऐसा होता भी है, आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ, कई बार ना आप लोग बहुत अच्छे होते हो और आप लोग सब कुछ अच्छे से करते हो, सब कुछ विदाउट कोई एनीथिंग, किसी के बारे में कुछ सोचे बगैर, फिर भी ना आपकी लाइफ में बहुत सब बार ना अच्छी चीज़ें होती नहीं हैं, चाहे आप कोई भी चीज़ में देख लो। सो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ,
देखिए कई बार ना होता ही है कि आपकी जो कैपेबिलिटी होती है ना और आप जिस लायक व्यक्ति होते हो उस चीज़ उस टाइप की चीज़ आपको मिलती नहीं है। तो अगर कोई चीज़ जल्दी नहीं मिलती है ना सो प्लीज़ उस चीज़ के लिए ना आप टेंशन मत लो, ना ही घबराओ, कोई दिक्कत नहीं है यार, कुछ दिन नहीं तो बाद में मिलेगा। जैसे मेरे पास बहुत सारे ना रिसोर्सेज की कमी है व्लॉग बनाने के लिए, बट फिर भी मेरे पास जो भी है ना मैं उससे अपने व्लॉग को बनाता हूँ। सो वो चीज़ आपको होनी चाहिए कि आपके पास जो भी फिलहाल है उस चीज़ को आप यूटिलाइज करो और उस चीज़ का थैंकफुल दो। चीज़ें आपको अगर नहीं मिलती या फिर आपके पास कुछ ऐसा कमी है ज़्यादा है वो आपके समय आने पे या आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको ज़रूर मिलेगी, बट आपको खुश रहना है एनीवेज। सो बस यही है, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, अच्छा सोचो। कभी कभी मैं भी हो जाता हूँ टेंशन में, बट ठीक है, कोई इशू नहीं। फिलहाल मैं आ चुका हूँ घर पे, यही था मेरा संडे का दिन, चाहता तो बाहर कुछ खा सकता था, खाया भी मोमोस बट थोड़ा सा ही खाया। एंड उसके बाद एक दो दोस्त ने बुलाया था तो मैं बोला नहीं, क्योंकि संडे बाहर जाओ तो फिर कुछ खा लूँगा तो फिर नेक्स्ट डे या मंडे को गिल्टी फील होता है, सैटरडे है सॉरी। सो मैंने अपने लिए ले आया पनीर, सभी इसको कट करूँगा, वेजिटेबल्स के साथ बनाऊँगा पनीर, थोड़े से लूँगा राइस, वो खाऊँगा जो कि मेरा होने वाला है हेल्दी डाइट, एंड दैट्स इट, यही रहेगा। सो संडे का दिन था, छोटा सा दिन था, शाम को मैं ऐसे ही बस बाहर निकला, घूमा एंड कुछ सामान लेके आ गया। सो बस यही था आज का दिन, आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ फॉलो करिए, जस्ट नितिन ब्लॉग्स नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो उसमें मैं सारे अपडेट्स डालते रहता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। एंड कल मिलते हैं फ्रेश न्यू ब्लॉग के लिए ब्लॉग में, जब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए एंड बाय बाय।